नमस्कार, आप देख रहे हैं YMS News 24। इसी प्रकार अपने क्षेत्रों की घटनाओं एवं खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर खबर आप तक जल्दी पहुंचे, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। किसी भी प्रकार के सुझावों का हम स्वागत करते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे चैनल की गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद मिलेगी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर। जयराम यादव ब्यूरो चीफ सिद्धार्थनगर के साथ। जिला सिद्धार्थनगर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जिला सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के खैर पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में क्वारंटीन में रहने वाले लगभग 20 से 25 लोग क्वारंटीन सेंटर छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़कर लाते हुए भी दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह लोग क्वारंटीन से भागे क्यों? वायरल वीडियो में दो लोगों ने अपने बयान भी दिए हैं और बताया है कि तहसील प्रशासन उन्हें 25 दिनों से रखे हुए है, लेकिन उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं दूसरे युवक भी बता रहा है कि घर जाने की मांग पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री से फोन करवाने की धौंस भी देने का भी आरोप लगा रहा है। इस वायरल वीडियो ने तहसील नौगढ़ प्रशासन द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाओं के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं इस मामले में प्रशासन के आला अधिकारी इस पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन लोग है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हम लोग को 25-25 दिन से रोके हैं और 14 दिन जिसका पूरा हुआ उसको छोड़ दिए। हमारा आज 25 दिन हो गया। अच्छा, तो आप क्यों नहीं छोड़े? बोल रहे हैं रोज की कल छोड़ेंगे, ऐसे आकर डेली बोलते हैं। बोल लेते हैं कि मेरा नंबर ले लो, उधर से प्रधानमंत्री को फोन करो, हम छुड़वा देंगे। घर वाले भी परेशान है, उधर बैठे सुबह से। अब क्या करेंगे? फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन भी नहीं उठा रहे।